आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीसी न्यूज लाइव। डूंगरपुर में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विपिन मीना ने बताया कि रविवार को दो रोगी कोरोना पॉजिटिव थे, जिनका घर पर ही सुरक्षित इलाज चल रहा है। वहीं सोमवार को कोरोना रोगियों की जारी लिस्ट में एक वकील की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल तीनों मरीज स्वस्थ है। चिकित्सा विभाग ट्रेवल हिस्ट्री के साथ ट्रैकिंग पर फोकस कर रही है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया पंजीकरण के लिए अंतिम दिन आज। इच्छुक अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की विस्तृत जानकारी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट indianairforce.nic.in और careerindianforce.cdac.in से प्राप्त कर सकते हैं। 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 तक जन्म अविवाहित पुरुष उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। डूंगरपुर जिले में डीएपी खाद का टोटा, भूमि पुत्र परेशान। खरीफ की बुवाई के दौरान रहेगी 700 मैट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता, जिले में महज 100 मैट्रिक टन की उपलब्धता। डूंगरपुर में रात भर रुक रुक कर बरसे मेघ। सबसे ज्यादा डूंगरपुर शहर में 1.25 इंच बारिश। सोम कमला आम्बा में 19, धम्बोला में 1, आसपुर में 26, देवल में 7, गणेशपुर में 14, निठौवा में 24 व साबला में 21 mm बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सोमवार से आगामी 3 दिन तक डूंगरपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम व तेज बारिश की संभावना जताई है। वनरक्षक भर्ती परीक्षा 12 और 13 नवंबर को होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 10 भर्तियों की परीक्षा की तिथियां घोषित की गई हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा 6 नवंबर को और वनरक्षक भर्ती परीक्षा 12 व 13 नवंबर को होगी। इस भर्ती में 22 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 229, सागवाड़ा अस्पताल में 190 प्रकार की दवाएं नहीं। जयपुर से दवाओं की सप्लाई मिलने में हो रही देरी। जिले में सभी 79 चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की कमी। सबसे अधिक एंटीबायोटिक, आयरन सिर्फ व दर्द निवारक, बीपी शुगर, बुखार सहित अन्य जरूरी दवाएं नहीं मिल रही है, जिसके चलते मरीज निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहे हैं। पूनाली गांव में मधुमेह जांच और उपचार का द्वितीय शिविर आज। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पूनाली में मधुमेह जांच व उपचार की द्वितीय शिविर का आयोजन मंगलवार को किया जाएगा। डॉक्टर संदीप रमन ने बताया कि मेरा गांव मधुमेह मुक्त अभियान के तहत द्वितीय निशुल्क मधुमेह जांच शिविर किया जाएगा। पीठ में आयुर्वेद निशुल्क जाँच शिविर कल। सीमलवाड़ा ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय निशुल्क आयुर्वेद नियमित निदान एवं जांच शिविर राजकीय आयुर्वेद औषधालय पीठ में बुधवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसमें विविध रोगों की जांच एवं परामर्श कर आयुर्वेद औषधियों से चिकित्सा की जाएगी। रेलवे लाइन का काम पूरा, आज तेज गति से दौड़ेगी ट्रायल ट्रेन। जयसमंद से खारवा चांदा तक CRS निरीक्षण 8 व 9 जुलाई को। मंगलवार को ट्रैक पर ट्रायल इंजन तेज गति से दौड़ेगा। इसी को लेकर आम जन से अपील की गई है कि वे रेलवे फाटक के अलावा पटरी पार नहीं करें। डूंगरपुर से जुड़े पूरे दिन के अपडेट रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।